छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रावण को पूर्वज बताते हुए दशहरा के दिन रावण न जलाए जाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही दुर्गा पूजा में महिषासुर को मारने की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। परासिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रावण को आदिवासियों का पूर्वज बताया है और दशहरा के दिन रावण दहन पर रोक लगाने की मांग की है। गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी का कहना है कि दुर्गा पूजा में महिषासुर को भी मूर्ति के नीचे नहीं रखना चाहिए, वे आदिवासियों के पूर्वज हैं। गौरतलब है कि गोंडवाना पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए अजीबोगरीब तर्क भी दिए जा रही है। समस्त सर्व आदिवासी के माध्यम से ज्ञापन आज SDM कार्यालय में सौंपी गई, जिसको हमें संपूर्ण रूप से उम्मीद और आशा है कि सकल आदिवासी समाज की ओर से हमारे पूर्वज राजा रावण, जिसको दशहरा में उनका दहन किया जाता है, हमारे समस्त परासी ब्लॉक संगठन की ओर से उम्मीद और आशा है इस ज्ञापन के पीछे कि भाई रावण दहन बंद की जाए, साथ ही साथ दुर्गा जी की प्रतिमा के साथ हमारे पूर्वज जो कि महिषासुर, जिनका वध करते हुए दुर्गा जी दिखाई देती हैं, हमारा उद्देश्य, मूल उद्देश्य है कि हमारे पूर्वज महिषासुर को वध करते हुए मूर्ति के सामने न दिखाया जाए, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। इसी आशा आज हम लोग समस्त संगठनों की ओर से, परासिया सर्व आदिवासी की ओर से ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।